आशुतोष जी, जितने आराम से सबने गेंद जो है राजनीति में बड़प्पन की उम्मीद करना, ये तो हम हाइपोथेटिकल काम कर ही रहे थे क्योंकि वो तो कम ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने तीनों पार्टीज का स्टैंड जो है वो सुन लिया है, क्या वाकई में गेंद जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पाले में है? क्या मौजूदा पार्टी जो है सत्तारूढ़ पार्टी कोई स्टैंड नहीं ले सकती, कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकती? पिना, मुझे लगता है कि जो बातें आप कह रही हैं, पहले तो मैं जो राजनीतिक दल के तमाम प्रवक्ता हैं उनसे शुरुआत से मैं माफी मांग देना चाहता हूं, क्योंकि इस देश के अंदर राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता और सरकारें जितना गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका रहा है और दिखाई पड़ रहा है उतना शायद पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा। अजीत खान साहब कह रहे थे कि रात में कर्फ्यू लग रहा है और दिन के अंदर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और राष्ट्र को कहते हैं सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन आप पिछले एक महीने के सारे फुटेज उठा के देख लीजिए, उसमें देखिए कितनी बार उनके मुंह पे मास्क लगा हुआ है। और यह सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है, यही हाल राहुल गांधी के रैलियों में होता है, यही हाल अखिलेश यादव की रैलियों में होता है, यही हाल शाह की रैलियों में होता है, यही हाल मायावती की रैलियों में रहता है। और लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, वहां किसी सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरीके का कोई पालन नहीं हो रहा, वहां लोगों के चेहरे पे मास्क लगाने की कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है। सिर्फ इस बात की होड़ लगी हुई है कैसे ज्यादा से ज्यादा हम भीड़ इकट्ठा कर सके। तो ऐसे समय में जबकि कोरोना की दो लहर हिंदुस्तान देख चुका है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम सब लोग, हम में से सारे लोग जो मौजूद हैं, किसी न किसी सगे संबंधी को हम खो चुके हैं, वैसे में इन तमाम राजनेताओं का जो व्यवहार है निहायत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। कायदे से देश की जनता को इनके ऊपर जनमत संग्रह करके बताना चाहिए था कि आपके हाथ में देश की बागडोर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों की क्या सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी की नहीं बनती? मैं इसमें सत्तारूढ़ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राज्य पॉलिटिकल क्लास है इस देश का, ये उसकी हालत है। जाहिर सी बात है अगर आप सरकार के अंदर हैं तो आपको देश का नेतृत्व करना है तो सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों की भी उतनी जिम्मेदारी। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां लोग इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल तब आता है जब वो इलेक्शन का अनाउंसमेंट करते हैं, इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले तक राज्य के अंदर सरकारें और केंद्र की सरकारें, यह उनकी जिम्मेदारी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, चाहे रैली हो या रैली ना हो। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आज किसी की शादी में अगर 200 से ज्यादा आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, 20 से ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, एक नॉर्म बना हुआ है, तो वहां पे कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जाके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और उसको 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 पनिश कर सकता है। क्या एक भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जितनी रैलियां हुई हैं जहां कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या एक भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके एक्शन लिया है? क्यों? बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर पिनास के लिए बराबर होना चाहिए तो हम और आप अगर बिना मास्क के अगर गाड़ी में घूम गएंगे तो पुलिस वाला हमको पकड़ कर हमको फाइन कर देगा? ये जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं इनके आयोजकों के ऊपर कितने केसेस दर्ज हुए हैं? बिल्कुल,